नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्रेमचंद जी को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित प्रेमचंद जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण कहानी नमक का दारोगा का अध्ययन अपन कर रहे थे। देखिए, नमक का दारोगा कहानी में अपनों ने पढ़ा कि किस प्रकार से मुंशी वंशीधर और आलोपी दीन के बीच धर्म और धन का युद्ध चलता है। देखिए, इस कहानी में अपनों ने देखा कि किस प्रकार से समय है वो परिस्थितियां बदल देता है। देखिए, आलोपी दीन जिनके हाथ में लक्ष्मी है और वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि लक्ष्मी जी के सब दास हैं और लक्ष्मी जी सब पर राज करती है और लक्ष्मी जी उनके साथ है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो तब गलत साबित होते हैं जब उनका सामना वंशीधर के साथ होता है। नमक के दारोगा पद पर पदस्थ वंशीधर जी, जो सत्य व धर्म के रक्षक हैं, उनसे जब सामना होता है तो उनका यह वहम वहम बनकर रह जाता है। और फिर समय का प्रभाव तो देखिए, और जब वंशीधर जी से सामना होता है वो हिरासत में लिए जाते हैं, तो ऐसे लोग जो सारे के सारे गलत काम करते हैं, यानी बिना टिकट के ट्रेन में सवारी करते हैं, जो दूध में पानी मिलाते हैं, जो खुद गलत है, जो डेली का रोजना मचा जो तैयार करते हैं वो सिर्फ कल्पना के आधार पर तैयार कर देते हैं, आंकड़ों को देखते तक नहीं है, वो भी आज देवताओं की भांति और गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। किसकी गर्दन पर? आलोपी दीन जी की। और यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि आज पापी का पाप कट गया, मतलब आज पापी पहाड़ के नीचे आ गया। तो इस प्रकार की बातें हैं वो, जो लोग उनके सामने बोलने से हिचकिच जाते थे वो भी इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। ये चीज अपनों ने देखी। परंतु फिर भी वहां पर जब अपन कोर्ट में जाते हैं, जब हिरासत में आलोपी दीन होते हैं, उनको जज के सामने पेश किया जाता है, तो वहां पर ये जो वकीलों की सेना होती है वो पूरी की पूरी आलोपी दीन के पक्ष में होती है, लेकिन वंशीधर जी के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ सत्य व स्पष्टवादिता के अलावा कुछ नहीं होता। और इस प्रकार से फिर प्रेमचंद जी लिखते हैं कि पहले जहां पर धर्म ने धन को कुचला था, वहीं पर यहां कोर्ट में धन ने धर्म को कुचल दिया, अर्थात धर्म पर धन ने विजय प्राप्त कर ली। यहां पर मुंशी वंशीधर यूं सोचते हैं, चलो एक अच्छा अनुभव और मिला। और इस प्रकार से जो ढीले चोगे पहनते हैं, जो सभ्य दिखने वाले लोग हैं, वो भी पीछे से काले हो सकते हैं, कम से कम ये पता चला। तो इस प्रकार से वो बिल्कुल भी मलाल नहीं करते कि मेरी हार हुई है तो इस प्रकार से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। यहाँ तक कि नौकर चाकर चपरासी लोग वो भी उन पर व्यंग्य कटाक्ष करते हैं, पर वो बुरा नहीं मानते। वो अपने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों में एक अनुभव को शामिल और कर लेता है। और यदि हम सभी भी इस प्रकार से अपने अनुभवों को संजोने लगे तो शायद हम भी बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ जाए। देखिए आगे क्या होता है। अपन यहाँ पर थे, पांचवें दृश्य पर थे इस कहानी में, और पांचवा जो दृश्य था उसमें अपन कहाँ पर थे? वंशीधर जी के घर पर थे। वंशीधर जी के घर पर थे, और वंशीधर जी के घर पर आज कौन आए हैं? आलोपी दीन आए हैं। आलोपी दीन क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और सत्य की रक्षा का मूल्य चुकाया था, अर्थात नौकरी से हाथ धो बैठे थे, तो ये घर पे थे। अब आलोपी दीन वंशीधर जी के घर पे आते हैं, और आते कैसे हैं? वो ही शाही तरीके से, शान से आते हैं, रथ में बैठकर आते हैं। पछइए जो बैल होते हैं वो अच्छी प्रजाति के माने जाते हैं, तो पछइए बैलों की जोड़ी इनके रथ में जुड़ी हुई है। रथ में पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जो बैल है उनके सींग भी पीतल के बने हुए हैं, पीतल में जड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीजें, और साथ साथ नौकर जो कंधे पर लाठियां लिए हुए हैं, ये चीज पूरी की पूरी दिखा रही है कि एक शाही व्यक्ति आया है। और देखते ही वंशीधर जी के पिताजी बड़े मुंशी जी, इनके पिता कौन? बड़े मुंशी जी, देखते ही दौड़कर
अलोपी दिन के सामने जाते हैं और अलोपी दिन के सामने जाकर और लल्लो चप्पो की बातें करने लगते हैं। जी हाँ, लल्लो चप्पो। लल्लो चप्पो क्या होता है? यानी खुशामद की बातें करना, ठकुर सुहाती बातें करना, अर्थात उनकी इस प्रकार से बातें करना चाहते हैं ताकि ये खुश रहे। और क्या क्या कहते हैं देखिए, साहब आप बड़े आदमी, धन्य भाग हमारे, आज आपके चरण हमारे घर पे पड़े। अरे आज तो हम बहुत प्रसन्न हो गए, आज आपका हमारे घर पर आना हुआ, हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कपूत ने जन्म ले लिया घर में, अब ऐसा कपूत है कि किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तो हम आपके सामने तो आते कैसे, अब मुंह छुपाए बैठे थे सरकार, हमारी तो आने की हिम्मत नहीं हुई, आपने हमें आकर दर्शन दिए, इसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हुए। तो इस प्रकार से है वो मुंशी जी बार बार ऐसी बात करते हैं कि क्या करें, ऐसी संतान से तो संतान नहीं होना ही अच्छा होता है, परंतु क्या करें, अब ऐसी औलाद है, अब इसको छोड़े भी कहां, भेजे भी कहां, मार भी नहीं सकते। अब इस प्रकार की बातें वंशीधर के पिताजी करते हैं, परंतु जवाब में अलोपी दीन क्या कहते हैं? अलोपी दीन कहते हैं कि नहीं भाई साहब। अब यहां पर इनके शब्दों की कोमलता देखिए, ये इतना बड़ा लक्ष्मी का पुजारी और मुंशी जी के या वंशीधर जी के पिता को यूं कहता है कि नहीं भाई साहब ऐसी बातें मत कीजिए, और बहुत ही वात्सल्यपूर्ण प्रेम भाव से जवाब देते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुरखों की पूर्वज यानी धर्म परायणता बचाने के लिए अपने आप का संपूर्ण अर्पण कर देता है, अर्थात धर्म को बचाने के लिए, धर्म परायणता के लिए अपना संपूर्ण अर्पण कर देता है, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसी संतान तो किसी सदकर्म के करने से ही घर में जन्म लेती है। अलोपी दिन जब ये बात कहते हैं तो मुंशी जी चौंक जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मुंशी जी को भी पता था कि हाँ बेटे ने किया है वो तो सही किया है, परंतु समाज इस बात को सही नहीं मानता, अलोपी दीन के साथ दुश्मनी लेकर इसने बहुत बड़ा गलत काम किया है। तो यहां पर जब अलोपी दीन ये बात कह रहे हैं तो वंशीधर जी का ये हाल है कि उन्होंने रूखी सी आंखों से, रूखे तरीके से एक नजर अलोपी दीन को देखा। हालांकि अलोपी दीन जब घर में आए थे ना, तब सत्कार किया था, सत्कार का मतलब सम्मान या प्रणाम किया था, परंतु वो भी स्वाभिमान से प्रणाम किया था, ऐसे नहीं कि झुककर माफी मांग ले। इनके मन में यूं था कि ये मुझे लज्जित करने आए हैं, मुझे लज्जित करने आए हैं, लज्जा महसूस करवाने आए हैं, मुझे बेइज्जत करने आए हैं। अब वंशीधर यूं सोच रहे हैं कि अलोपी दीन मुझे बेइज्जत करने आए हैं, मुझे लज्जित करने आए हैं, और इसलिए इन्होंने नमस्कार तो किया परंतु अपने स्वाभिमान को बचाते हुए नमस्कार किया, स्वाभिमान के साथ नमस्कार किया। परंतु तभी जब अलोपी दीन ऐसी बातें कर रहे थे, उसी समय उन्होंने रूखी नजर से एक नजर इनकी तरफ देखा। जैसे अलोपी दीन की तरफ देखा तो अलोपी दीन की नजरों में एक प्रेम था, एक वात्सल्य था, और जैसे ये इनकी आंखों में देखी, प्रेम देखा, वैसे ही इनका पूरा का पूरा स्वाभिमान है वो वहां पर समाप्त हो गया। और वहां पर समाप्त होकर हो गया तो फिर ये वंशीधर अलोपी दीन से कहते हैं कि साहब मैंने आपको बहुत दुख दिया। यानी वंशीधर अलोपी दीन से इनके प्रेम को देखते हुए, देखिए यहां पर यदि ये क्रोध करते तो ये इनका जवाब क्रोध से दे सकते थे, इसीलिए कहते हैं कि प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से बातें करनी चाहिए। हमारे तो कबीरदास जी कह गए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो यहाँ पर अलोपी दीन प्रेम भरी बातें करते हैं तो वंशीधर जी भी कहते हैं कि मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिए, परंतु उस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ था, मेरा धर्म मुझे उसकी इजाजत दे रहा था, अर्थात धर्म बल से प्रेरित होकर मैंने आपको कष्ट दिए थे, वैसे मैं आपका दास हूं।
कहते हैं कि वैसे मैं आपका दास हूं और उस दिन जो मैंने आपको कष्ट दिए उसके लिए मैं क्षमा का भी प्रार्थी हूं। मैं वैसे दास हूं, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, परंतु कर्तव्य मुझे जो कह रहा था, जिस समय मैं जहां पर खड़ा था वहां पर मुझे जो करना चाहिए था, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तो आलोपी दीन कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने उस दिन जो करना चाहिए था वो किया, ठीक है। उस दिन आपने उस घाट पर तो मेरी एक भी नहीं सुनी, आपने एक नहीं सुनी। अब आज मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि स्वीकार नहीं किया तो मैं भी ब्राह्मण हूं, दरवाजे पर बैठ जाऊंगा, हिलूंगा भी नहीं। और ये कहते हुए इन्होंने एक स्टैंप लगा, एक पत्र निकाला और पत्र निकालकर बंसीधर के समक्ष रखते हुए और यूं कहा, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जब ये बात आलोपी दीन ने बंसीधर को कही तो बंसीधर ने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं जो करूंगा, मुझे जिस लायक आप समझेंगे, जो भी काम देंगे उसमें कभी भी त्रुटि नहीं होगी। हालांकि उस दिन मैंने आपके साथ गलत किया, आपको कष्ट पहुंचाया, लेकिन अब कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। मैं किस लायक हूं, मैं आपके किस काम आ सकता हूं। तो फिर आलोपी दीन ने पत्र आगे बढ़ा दिया, आलोपी दीन ने पत्र आगे बढ़ाया और बंसीधर ने ये कहते हुए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मैं जो भी करूंगा उसमें कहीं त्रुटि नहीं होगी, और ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में पत्र लिया और पत्र पढ़ने लगे। जैसे ही पत्र पढ़ा वैसे ही उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, ये भावुक हो गए और भावुक होकर और इन्होंने बंसीधर ने कहा, आप बहुत उदार हैं, आप महान हैं। बंसीधर ने आंखों में आंसू भरकर, यानी जो पत्र में लिखा था उसको वो अपने अंदर समाहित ही नहीं कर पाए, इतनी बड़ी बात थी कि जिसे वो अंदर समेट कर रख ही नहीं पाए और वो स्वतः ही अश्रुधारा के रूप में बह निकली। अब इस पत्र में था क्या, इस पत्र में ये था कि आलोपी दीन अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर बंसीधर को नियुक्त कर रहे थे। आलोपी दीन ने पत्र में लिखा था कि आप मेरी पूरी संपत्ति के स्थायी मैनेजर हो, आपको 6,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे, जो उस समय बहुत बड़ी कीमत होती थी। पूरा खर्चा दिया जाएगा, बंगला दिया जाएगा, रथ दिया जाएगा सवारी के लिए, और साथ साथ बंगला रथ खर्चा और साथ साथ जो भी आप मांगोगे, यानी नौकर, काम करने के लिए नौकर चाकर, जितनी सुविधाएं मेरे पास है वो सब आपको मिलेगी। इतनी बड़ी चीज जब आलोपी दीन ने यूर रखी बंसीधर के समक्ष, तो बंसीधर बहुत भावुक हुए और फिर यूं बोले, साहब मुझे आपने इतना बड़ा मान क्यों दिया है, मुझ में न बुद्धि है न योग्यता है, और व्यवहार भी ऐसा नहीं है जो इन दोनों की पूर्ति कर सके। यानी व्यवहार अच्छा होता है तो इंसान की बुद्धि और योग्यता छुपी रह जाती है, अपने व्यवहार के बल पर इंसान आगे जा सकता है। तो बंसीधर कहते हैं कि न तो बुद्धि न योग्यता, और इन दोनों त्रुटियों को छुपाने वाला मेरा तो कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं है, तो आप मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हो, मैं इसके लायक नहीं हूं। तो आलोपी दीन जी कहते हैं कि अच्छा, आप में योग्यता नहीं है तो इस समय तो मुझे एक अयोग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता है, हस्ताक्षर कर दो। फिर बंसीधर जब ये कहते हैं कि आप कोई अच्छे योग्य अनुभवी व्यक्ति की तलाश करो और इतना बड़ा पद आप उसे दो, तो आलोपी दीन कहते हैं कि मैंने बहुत ही योग्य लोगों को देखा है,
अनुभवी लोगों को देखा है, पदाधिकारियों को, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको भी देखा है, लेकिन समय ने, सुअवसर ने, सुअवसर ने, भाग्य ने मुझे एक मोती दिया है और वो मोती तुम मुझसे छीन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, दरवाजे पर बैठ जाऊंगा, बिना बिना हस्ताक्षर लिए जाऊंगा नहीं। और जब अलोपी दिन इस प्रकार की बात करते हैं तो बंसीधर फिर आंसू बहाने लगते हैं और भावुक हो जाते हैं, और इधर बंसीधर के पिता की खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। और फिर अलोपी दिन यूं कहते हैं कि मुझे भाग्य ने एक मोती दिया है, आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा, मुझे किसी भी उच्च पदाधिकारी की जरूरत नहीं, बस मैं ये चाहता हूं कि जो आपने घाट पर अयोग्यता दिखाई थी, जो मुझे कष्ट दिया था, जो आप में बुराई थी, ईश्वर करे वो सदा बनी रहे। अर्थात इन्हें एक स्वाभिमानी और ईमानदार व्यक्ति चाहिए था, और ये दोनों की दोनों खूबियां इन्हें अपने पूरे के पूरे जीवन काल में, जिसमें ये बहुत लोगों से मिले, बहुत पदाधिकारियों से मिले, उनमें सिर्फ और सिर्फ ये एक व्यक्ति मिला और इसके लिए इन्होंने पद दिया। और वहां पर जब ये कहते हैं कि मुझे ये ही चाहिए और ईश्वर करे आपकी वो योग्यता हमेशा बनी रहे, और ये कहकर और वो अपना पेन निकालकर बंसीधर के हाथ में देते हैं और कहते हैं अब ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो फिर बंसीधर कहता है कि मैं आपका सदा दास रहूंगा, आप बड़े उदार व्यक्ति हैं, आप बड़े महान व्यक्ति हैं, आपने मुझ जैसे व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता ढूंढी। अर्थात कहा जाता है ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, और शायद अलोपी दीन को ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश थी। तो जैसे ही फिर बंसीधर के हाथ में पेन दिया जाता है, बंसीधर भावुकता से, कांपते हुए हाथों से और खड़े होकर उस पत्र पर साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। और जैसे ही बंसीधर हस्ताक्षर करते हैं, वैसे ही अलोपी दीन बंसीधर को गले से लगा देता है। देखिए, इतना बड़ा व्यक्ति जिसकी लक्ष्मी दासी है, आज वंशीधर को, वंशीधर जैसे छोटे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को उसने गले से लगाया। किसके दम पर? ईमानदारी के दम पर, स्वाभिमान के दम पर। प्रेमचंद जी की यही खूबी है, उनकी रचनाओं में यथार्थ का चित्रण मिलता है। पहले जो भी चित्रण हुआ वो यथार्थ चित्रण था, और इस प्रकार से रिश्वतखोरी हमारे समाज में आज भी प्रासंगिक है। हम देखते हैं कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार किस प्रकार से हमारे समाज में फैला हुआ है, लेकिन अंत में प्रेमचंद जी एक आदर्श की स्थापना करते हैं कि स्वाभिमानी और ईमानदारी की कदर हमेशा होती है। और इसी के साथ प्रेमचंद जी अपनी कहानी नमक का दरोगा को पूर्ण करते हैं। अगले क्लास में अगली कहानी अगले लेखक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।